पद्मावत फिल्म को लेकर हुए उपद्रव व बवाल को लेकर गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में नजर आने लगी है। दरअसल कल देर रात AGDP लॉ एंड ऑर्डर ने इस मामले को लेकर SIT के गठन के आदेश जारी किए थे, जो कि पद्मावत मामले में हुई तोड़फोड़, जाम और भोंसी में हुई आगजनी व स्कूली बस पर हुए पथराव की जाँच करेगी। वही भाजपा नेता और करणी सेना के महासचिव सूरज पाल अम्मू की मुश्किलें भोंसी मामले में हुई उपद्रव को लेकर बढ़ने वाली है। दरअसल इस मामले में गठित SIT ने सूरजपाल अम्मू के भोंसी उपद्रव व आगजनी मामले में तार होने को लेकर प्रोडक्शन की अर्जी सोहना कोर्ट में लगाई है और पुलिस सूत्रों की माने तो 29 तारीख को अम्मू को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले अम्मू से भोंसी मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है। इसी मामले में कुछ कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक सर? इसमें टोटल 18 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, कौन कौन जाति से वो लोग बिलोंग करते हैं? क्या सभी करनी सेना के सदस्य है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि वो करनी सेना से संबंध रखते हैं या किस संबंध किसी ग्रुप से संबंध रखते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इसमें सर कोई मुसलमान समुदाय के लोग भी शामिल है? मुसलमान समुदाय से कोई एक्ट नहीं है इसमें। सर, इसमें कोई जांच का है? जिस तरह जो महासचिव के खिलाफ बात हुआ, तो इसमें किस चीज की जाँच की जाएगी जो प्रोडक्शन वारंट लिया जाएगा? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसके अंदर कई एंगल पर तफ्तीश की जा रही है, तो इसके बारे में अभी डिटेल नहीं बता सकते। सर, राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ क्या आज कोई प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ? जो आज सूरजपाल अम्मू के खिलाफ हमने प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से जारी करवाया है 29 तारीख के लिए। सर, इसमें जो दूसरी बात है कि क्या इसके लिए मामले के लिए कोई SIT गठित की गई है अभी तक? CP साहब ने इसमें एक SIT गठित की। कितने लोगों को शामिल किया सर इसमें? इसमें लगभग 11-12 आदमी SIT के अंदर।